सरदार पटेल हो, मुरारजी भाई हो, नरेंद्र भाई हो, यहां से बात नहीं हटकती। गुजरात के विकास में भी कांग्रेस ने रोड़े डालने का प्रयास किया है। इसका जीता जागता उदाहरण नर्मदा का बांध है, क्योंकि सिर्फ सरदार पटेल का नाम नर्मदा योजना के साथ जुड़ा था। ये बांध को 50 साल तक पूरा होने नहीं दिया गया और उसकी अंतिम ऊंचाई बढ़ाने का परमिशन तब ही मिला जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब तक नहीं मिला। डैम के दरवाजे बंद करने की परमिशन भी नहीं मिली जब तक नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री नहीं बने, और हाइट बढ़ना भी तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके अलावा ढेर सारी चीजें हैं, गुजरात की गैस और ऑयल की रॉयल्टी का सवाल हो, वाइब्रेंट गुजरात में अगर कोई कंपनी आती है तो उस पर एमओयू करते हैं तो उस पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे डलवाने की बात हो। लगातार कांग्रेस ने गुजरात को दबाने का प्रयास किया है, गुजरात को परेशान करने का प्रयास किया है और गुजरात के विकास की राह में रोड़े डालने का प्रयास किया है।